हाय गाइस, इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे सीयूटी के सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। आपके अगेन डाउट बन रहे हैं जिसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो इसी वीडियो में हम सारे डाउट को भी दूर करेंगे। तो मेरा नाम है साहिल, इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीयूटी के सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर ये हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है, और जिसने भी इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, उसमें भी हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो उससे भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट बेसिक स्टेप आपको बताता हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे अपने सीयूटी पेपर के लिए, वो आपके क्लास 12 के होने ही चाहिए, मतलब आपके क्लास 12 वाले सब्जेक्ट ही होने चाहिए। और रही बात हमारे जनरल टेस्ट की, तो सोचे होंगे कि मेरी क्लास 12 में जनरल टेस्ट था ही नहीं, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ। तो बेसिकली बात होती है कि जनरल टेस्ट किसी भी स्कूल के किसी भी बोर्ड में नहीं होता है, तो उसके लिए ये बात डिफरेंट हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी मेन वीडियो को। अब आपका एक कॉमन कमेंट आता है कि मेरे को कौन से तीन सब्जेक्ट चुनने चाहिए, या एक चौथा सब्जेक्ट दूं या नहीं दूं। तो यार, ड्यू के लिए आप जब आपको पता है कि रूल्स में हमारे तीन डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज होती है, और किसी कोर्स में जनरल टेस्ट की जरूरत होती है, तो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो यार कि सिर्फ तीन सब्जेक्ट में टेस्ट दूं और चौथे सब्जेक्ट में टेस्ट ही ना दूं, जो कि मेरी 12th क्लास में है। अगर आपके रोल में अगर तीन डोमेन एक लैंग्वेज है, तो आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी तीन सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हो। अब ड्यू के अलावा और भी दूसरी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, लाइक BHU, जिसमें क्राइटेरिया किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मान लो BSc मैथ के लिए हो जाता है, हमारे PCM की जरूरत है CUET में। तो आपको लगेगा कि मेरे को सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट देने, जो कि BHU के हिसाब से सही है, बट अगर आप ड्यू के हिसाब से देखोगे तो आपको तीन सब्जेक्ट यानी PCM किसी कोर्स के लिए, PCM और एक लैंग्वेज भी चाहिए, तो कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे, चार। और आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरे को तीन ही देने चाहिए, तो मेरा BHU में हो जाएगा, बट यार DU में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ये गलती मत करना कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए टारगेट कर रहे हो, आपको बाकी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना है, तो सभी के क्राइटेरिया को आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक और कॉमन डाउट आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसी क्राइटेरिया में लिखा होता है any 1 language + any 3 domains from section B, तो आपको लगेगा कि कोई भी तीन डोमेन हो सकता है सेक्शन सेकंड से, तो हमें कोई भी तीन डोमेन चुन लेने चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको तीन डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं, डोमेन मतलब जो भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 के, उसमें से आपको तीन सब्जेक्ट चुनने हैं जो कि आपके क्लास 12 वाले होने चाहिए। अगर आपने PCM पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो आप वही चुनोगे, और कोई सब्जेक्ट कैसे चुन सकते हो। आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, वही तीन सब्जेक्ट होने चाहिए बेसिकली, और एक कोई लैंग्वेज जो कि हो सकती है इंग्लिश, हो सकती है हिंदी, हो सकती है गुजराती, मराठी, जो भी आपने अपनी क्लास 12 में पढ़ी है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, और मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैं साइंस की लाइन से हूँ, मतलब साइंस की स्ट्रीम से हूँ, बट मेरे को DU से BA की लाइन में जाना है, BA के कोर्स करना है, या BCOM में जाना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट कैसे चुनने चाहिए, उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट में पेपर देना चाहिए, तो उसका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, साइंस में हो तो आप आर्ट्स और कॉमर्स में इजीली जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बस, और मैं अपना भी बता दूंगा कि मैं कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो गया। तो आपको करना क्या है बेसिकली, जो आपके पास है, अगर सपोज कीजिए आपके पास है PCM क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपको क्या करना है, डोमेन में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनने ही है, और लैंग्वेज में आप चुन सकते हो इंग्लिश या हिंदी या दोनों, या गुजराती मराठी, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ी है बेसिकली वो चुन सकते हो। इससे ये होगा कि आप इससे BSc के कोर्सेज में तो एलिजिबल हो ही जाओगे, जो कि आप क्राइटेरिया देख रहे हो, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट यानी कि BA हिस्ट्री पोल साइंस, इनके क्राइटेरिया को कैसे मीटअप करूँगा। तो उनके क्राइटेरिया बेसिकली होते क्या है, आप अगर आपने ध्यान से देखे हो तो उसके क्राइटेरिया होते हैं any 1 from language section + any 3 domains from section 2। तो आप एक लैंग्वेज तो चुन ही लिए ऑलरेडी, और तीन डोमेन भी आप चुन लिए सेक्शन सेकंड से, तो आप उनके भी क्राइटेरिया को मीटअप कर रहे हो। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं कैसे मीटअप क्राइटेरिया को मीटअप करूँगा और कैसे आर्ट्स वाले के लिए एलिजिबल होऊंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको आर्ट्स के हिसाब से कैसे क्राइटेरिया मीटअप करना है, जबकि मैं साइंस से हूँ। तो बेसिकली आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ ही उसके क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर दोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको क्लास 12 वाले ही सब्जेक्ट चुनने हैं, और आप उसी से आर्ट्स के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर दोगे। अब मैं अपना बताता हूँ कि मैं कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो गया था DU के, और बेसिकली मैं भी मैथ साइंस से ही हूँ, तो मैं आर्ट्स के कोर्सेज में भी एलिजिबल हो गया, कॉमर्स के कोर्सेज में भी एलिजिबल हो गया। बेसिकली मैं 700+ कोर्सेज में एलिजिबल हो गया था,
जो कि साइंस के तो थे ही, बेसिकली आर्ट्स के जो भी बहुत सारे हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं उनके भी कोर्सेज में एलिजिबल हो गया, कॉमर्स के कोर्स में भी एलिजिबल हो गया। तो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मैं साइंस से हूँ तो आर्ट्स की लाइन में कैसे जाऊँगा, बेसिक सी बात है, क्लास 12 वाले ही सब्जेक्ट होने चाहिए। देखो अब आपका एक और कॉमन डाउट बनता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कि मतलब बेस्ट सब्जेक्ट कौन से चुने। सपोज आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे को पोल साइंस ऑनर्स भी करना है और एक तरफ हिस्ट्री ऑनर्स भी करना है, तो इन दोनों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। तो जब दोनों का क्राइटेरिया एक ही है तो आपको ऐसे नहीं है कि मैं चार में से कोई छः सब्जेक्ट बता दूँ या चार में से तीन सब्जेक्ट बता दूँ। बेसिकली जो भाई क्राइटेरिया सेट है कि आपको तीन डोमेन देने हैं जो कि आपके क्लास 12 में तीन डोमेन होते ही हैं, तो आपको तीनों चुनने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है तीन में से कोई आप दो चुनोगे या अपनी तरफ से कोई एक चुनोगे, जो कि आपकी गलती हो जाएगी, तो ऐसी गलती मत करना। और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं तीन, अगर तीन सेट है और तीन से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, तीन तो होते ही हैं हमारे बेसिकली, तो आपको वो तीन चुनने ही हैं। और जब हमारी एक लैंग्वेज भी है तो वो लैंग्वेज भी चुननी है, और अगर आपके कोर्स के हिसाब से जनरल टेस्ट होता है तो अगर क्राइटेरिया के हिसाब से जनरल टेस्ट है तो आपको जनरल टेस्ट भी चुनना पड़ेगा। तो इसमें कोई बेस्ट वाली बात नहीं है कि इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मेरे को ये चुनना पड़ेगा तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अलग चुनना पड़ेगा। जो भाई सेट है मतलब जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट है उनको तो चुनना ही पड़ेगा, और उसमें से आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बेसिकली तीन तो रखना ही है आपको, तीन डोमेन रखनी है और एक लैंग्वेज तो रखनी ही है, आप अपनी तरफ से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देखो यार जो भी अब पॉसिबल बेस्ट डाउट बनते थे सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैंने सारे कवर कर दिए, और पार्ट वन में डिटेल से हमने सब्जेक्ट के एग्जांपल चुन के मतलब कोर्स के एग्जांपल चुन के कवर किया है। तो इसके बाद वो वाली वीडियो भी डेफिनेटली दोबारा देखना, और उसके बाद ये वाली वीडियो अगर आपको डाउट रहता है जो कि मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए दोबारा से देख लेना। दोनों अगर आप एक साथ देखोगे तो उसमें अलग डिटेल्स है, इसमें थोड़ी सी अलग क्वेश्चन डिटेल्स हैं। अगर आप दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट सिलेक्शन से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि अब आपका डाउट शायद क्लियर हो जाएगा या हो चुका होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो भाई फिर से पूछ लेना, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं होती है पूछना। तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यार अपना डाउट जो भी अगर आपको लगता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।